हे गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी, देखिए सर्दियों में खाइए चाहे गर्मियों में खाइए, तो गाइस कुछ ही टाइम में जो बन जाती है। घर में कुछ भी समझना ना है तो आज हम खाने में क्या बनाएं, तो फटाफट आप किचन में जाइए और इसको जल्दी से गर्मा गर्म बनाइए, चाहे सर्दी में खाइए चाहे गर्मी में खाइए। एकदम मुँह में पानी वाले आएगा गाइस, बच्चे क्या बूढ़ेगा, सबका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे, लंच में बनाइए चाहे डिनर में बनाइए। तो गाइस देखिए, जहाँ मैंने ले लिया चने की दाल, एक नियर अबाउट 150 से 200 ग्राम लिए गाइस, इसको हम एक कटोरे में डालेंगे और 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश कब तक करेंगे गाइस चने की दाल को? जब तक ये दूधिया पानी जैसे निकलता है ना, अच्छी तरह से वॉश करिए तो दूधिया पानी सा निकलता है फेस वेजा, तब तक हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। जैसे ये बढ़िया सी धुल जाएगी तो हम इसको साफ पानी के अंदर भीगने रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। और जहाँ मैंने ले लिए एक कटोरी, सेम वही वाली कटोरी चावल की लिए, इसको भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया 3 से 4 पानी में, इसको भी साथ में ही भिगो देंगे अलग से सेपरेट करके। तो जहाँ गए उधर मैंने भिगो दिया था, अब जैसे भीगने का 2 घंटे हो चुके, अब मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालूंगी, उसमें डालेंगे अजवाइन, साथ में मेथी दाना, साथ में जीरा डाल देंगे और इसी के साथ सौंफ डाल देंगे और इसी के साथ में डाल दूंगी काली मिर्ची और दालचीनी का एक टुकड़ा। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। साथ में डाल देंगे हींग 1 से 2 चुटकी, देखिए गाइस। और जहां मैंने टमाटो की 3 से 4 टमाटर लिए थे, इसकी मैंने प्यूरी रख ली है। और साथ में डाल देंगे अदरक की पेस्ट 1 से 2 चम्मच और साथ में 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे, मोटी मोटी काट के डालेंगे, जिससे कि सिर्फ हरी मिर्च का फ्लेवर आएगा, तीखी नहीं होएगी, फ्लेवर पूरा निकल के आएगा हरी मिर्ची का। तो गाइस जहाँ पे अगर आप प्याज डालना चाहते हैं और लहसुन डालना के खाना चाहते हैं ना, तो लहसुन और प्याज की लहसुन की पेस्ट डाल दीजिएगा और प्याज को लंबा लंबा काट के डाल दीजिएगा। और साथ में जहाँ मैंने एक बड़ी इलायची भी डाल दी है, जो काली वाली मोटी वाली इलायची होती है, कुट करके डाल दी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा हमारी इस रेसिपी के अंदर। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई नई वीडियोज़ को जानने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा व्हाट्सअप पे। ठीक है गाइस, जैसे घी रिलीज हो जाएगा, सरसों का तेल जैसे मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और साथ में नमक 2 टेस्ट डाल देंगे। देखिए गाइस दाल चने की हमारी कितनी अच्छी भीग गई है, फूल करके डबल हो गई है, यानी काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको क्या करेंगे, पक गई इन द सेंस गल गई है हमारी चने की दाल। जैसे हम कच्ची दाल डाल दें अचानक तो वो कच्ची कच्चा दाना अंदर से रह जाता है ना, खड़ा खड़ा। अब जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका खड़ा दाना नहीं रहेगा जब आप 2 से 3 घंटे भीगी हुई दाल को पकाएंगे। अब मैं 4 से 5 मिनट लगातार गाइस इस भुने हुए मसाले में चने की दाल को पकाएंगे और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं तो अगर आप डालेंगे ना मेरे तरीके से बना करके देखिए गाइस एक बार, अपने तरीके से आप रोज़ बनाते होंगे। तो 1 चम्मच डाला कसूरी मेथी का, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो गाइस देखिए चावल ही बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं हमारे, तो मैं अब चावल ऐड कर दूंगी इनको दोनों को मिला करके। हमने गाइस जैसे नमक पहले मैंने डाला था चने की दाल के अकॉर्डिंग, तो 1 चम्मच डाला था, अब हम चावल के लिए भी नमक डाल देंगे, जिससे कि हमारी खिचड़ी, जो चने की दाल चावल की खिचड़ी कह लीजिए या इसको पुलाव कह लीजिए, आप क्या कहना पसंद करेंगे इसको मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा जो पानी मैंने टमाटर की पेस्ट बनाई थी ना, उसके अंदर पानी डाल देंगे और जो चावल का भीगा हुआ पानी था ना, 2 घंटे भिगोए थे और दाल भी भिगोई थी हमने, तो उसको भी हमने देखिए वो पानी फेंकेंगे नहीं, वो इसी के अंदर डाल देंगे। देखिएगा मैंने जहाँ पर डाल दिया हरा धनिया और साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब गाइस देखिए पानी कितना डाल, 1 कटोरी दाल है तो 1 कटोरी चावल है, तो कभी भी आपका मेजरमेंट छोटा बड़ा हो सकता है गाइस, जब जो भी बर्तन आप कटोरी लेंगे ना उसी से आप डबल करके पानी डाल दीजिएगा अगर कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर आप यही कुकर में बना रहे हैं तो इसको 1 जैसे 2 कटोरी थी तो 3 कटोरी पानी डालिएगा। अगर मेरी अब जहाँ पे मैंने 2 कटोरी में 4 कटोरी पानी डाल दूंगी, जहाँ पे गाइस मैंने 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल ली थी, 1 कटोरी दाल के अंदर मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ और 1 कटोरी चावल में ही मैं 2 कटोरी पानी डाल रहे हैं, यानी टोटल 4 कटोरी हो जाएगा गाइस। देखिए गाइस अगर गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट की मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत होती है गाइस। अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। देखिए जैसे एक उबाला आएगा ना, तो हम गैस को कर देंगे स्लो और इसको ढक के पकाएंगे 10-12 मिनट में पकाऊंगी और ढक्कन द्वारा खोल करके देखेंगे अच्छा सा पक रहा है, तो मैं इसको द्वारा से 10-12 मिनट पकाएंगे। देखिए गाइस 10-12 मिनट टोटल 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको ऊपर में खुले बर्तन में बनाने में, जैसे कढ़ाई में जब भी हम पकाते हैं तो 20 से 25 मिनट में बढ़िया से तैयार हो गए, ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। देखिए खिला खिला दाना दाना बन गया है हमारी चने की दाल की खिचड़ी का कह लीजिए, चने की दाल का पुलाव कह लीजिए,
आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे गाइस, खिचड़ी कहना तो पसंद मत करिएगा, क्योंकि खिचड़ी के नाम से बच्चे भी कहेंगे हमने नहीं खाना, बड़े कहेंगे हम कोई बीमार थोड़ी ना जो खिचड़ी खाएंगे। जब आप इसको पुलाव बना करके बनाएंगे ना, कहेंगे कि हमने चने की दाल का पुलाव बनाया, तो हर कोई खुशी खुशी खाएगा, हेल्दी भी टेस्टी भी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।